बिग बॉस 13 जो कि काफ़ी टेढ़ा है, तो वहीं पर आपको बता दें कि आज वेडनेसडे यानी कि 16 अक्टूबर को जो घर में होने वाला है, आज उसके अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके पास में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आखिर घर में हो क्या रहा है। अब आपको बता दें कि आप लोगों ने प्रोमो देखे होंगे कि टॉय फैक्ट्री टास्क होता नज़र आ रहा था, जहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव मोड में नज़र आ रहे थे, जहां पर एक दूसरे से लड़ते हुए भी नज़र आए देवोलीना और सिद्धार्थ। तो वहीं पर अब आपको बता दें कि इस टास्क का जो रिज़ल्ट है वो भी आउट हो चुका है, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी है, तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। लेकिन अब बता दें कि बिग बॉस इस टास्क से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि बिग बॉस हमेशा ही ऐसे टास्क कराते आए हैं और हर बार अच्छा रिज़ल्ट भी निकलता है, सभी को एंटरटेनमेंट मिलता है, तो कहीं किसी को कुछ और निकल के आता है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये टास्क रद्द हो चुका है, और ये बिग बॉस 13 का पहला टास्क नहीं है जो कि रद्द हुआ है, इससे पहले भी टास्क रद्द हो चुका है। लेकिन ये टास्क इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इसमें घर वाले काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से गेम खेलते हुए नज़र आए, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव गेम प्ले था जो कि बिग बॉस को काफ़ी खफा कर गया, और साथ ही साथ पूरी जनता भी इससे नाखुश रही, जहां पर एक तरफ सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव गेम प्ले खेलते हुए नज़र आए। हालांकि इन दोनों की गलती है, लेकिन साथ ही में इनकी टीम की भी गलती है, जो कि पूरे सदस्य ही इस घर के गलत बन चुके हैं अब बिग बॉस की नज़रों में। तो ये आखिर हुआ कैसे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा दोनों ने ही काफ़ी गंदे रीजंस देकर टॉयज़ को रिजेक्ट किया, जहां पर ये टास्क काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होना चाहिए था, वहीं पर काफ़ी ज़्यादा गंदा अब ये टास्क बन गया था। और अब इसको रद्द करने के बाद में बिग बॉस 13 में आप देखेंगे कि बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुके हैं, और उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब पूरा का पूरा घर ही नॉमिनेट हो जाएगा। दोस्तों, जहां पर ये टास्क पहले लड़कियों को बचाने के लिए था नॉमिनेशन से, अब इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअल में है कि सभी के सभी नॉमिनेट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि बिग बॉस के इस गुस्से से कोई कैसे बचता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल खेलो खेलो को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी और अपडेट्स सबसे पहले।